हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही कमाल की फॉरेंसिक टूल जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नोन या विक्टिम के कंप्यूटर से काफ़ी कुछ निकाल सकते हो मिनटों में चुटकी बजा के। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में गिव अवे भी है इस टूल का, और ये गिव अवे 1, 2, 5, 10 लोगों के लिए नहीं है, सभी व्यूवर्स के लिए है। जितने व्यूवर्स भी देख रहे हैं वीडियो को उन सबको ये टूल $100 का है, आप सबको फ्री में मिलेगा। सो दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज यार वीडियोज़ पे लाइक्स और कमेंट किया करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 रखता हूं, तो ऐसी टूल और भी लाऊंगा और गिव अवे भी करूंगा, तो लाइक और कमेंट करते हो तो काफी इनकरेजमेंट मिलती है। तो गाइज इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना सपोर्ट तो आप लोग दिखा ही सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं उस टूल के वेबसाइट पे hetmanrecovery.com पे। यहाँ पे आके सिंपली गो टू डाउनलोड पेज पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा इंटरनेट स्पाई का, आपको इस पे जाना है। बाकी सॉफ्टवेयर से आपको मतलब नहीं है फिलहाल। आप इंटरनेट स्पाई पे जाएंगे तो हेटमैन इंटरनेट स्पाई 2.0 आपको दिखेगा। आप यहाँ जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके तीन वर्जन दिखेंगे, होम, ऑफिस, कमर्शियल। होम वर्जन लगभग $40 का है, ऑफिस वर्जन लगभग $100 का है, कमर्शियल वर्जन लगभग $160 का है। तो जो मैं आपको टूल ये देने वाला हूँ वो ऑफिस एडिशन होगा जो $100 वाला होगा, और ये सभी को मिलेगा गाइस। यहाँ पे आपको एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको करना क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको सिंपली इसी पेज पे आना है और यहाँ जो इसका ट्रायल वर्जन वाला सॉफ्टवेयर है फ्री डाउनलोड वाला, आपको इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ये 20 MB की सॉफ्टवेयर है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये रही, ये हेटमैन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है और सिंपल डबल क्लिक करके जैसे नॉर्मल बाकी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? तो जैसे आप इंस्टॉल कर लो आपको हेटमैन इंटरनेट स्पाई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। आपके स्टार्ट मेन्यू से आप कर सकते हो उसको स्टार्ट। स्टार्ट करते ही इस तरह का आपको कुछ सामने स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन दो चीज़ें लिखी रहेंगी। रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नेम और रजिस्ट्रेशन की दो चीज़ें आपसे मांग रहा है, और अगर आपने इसमें सही दिया तो ये एक्टिवेट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल ये सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड वर्जन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सो यहाँ पे गाइज आपको रजिस्ट्रेशन नेम और रजिस्ट्रेशन की डालनी है, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब मैं कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा आपको जल्दी बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपना रजिस्ट्रेशन नेम डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम डाल दिया। ओके, यहाँ पे मैं अभी पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डालनी है, मैंने डाल दिया और ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया यहाँ पे देखिए ये आएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग हेटमैन इंटरनेट स्पाई, नाउ द प्रोग्राम इज रजिस्टर्ड टू डैश। अब ये करते ही आपका जो हेटमैन इंटरनेट स्पाई हो ऑफिस एडिशन में आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया ऑफिस एडिशन $100 हेटमैन इंटरनेट स्पाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब गाइस आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये जो रजिस्ट्रेशन की है, जो रजिस्ट्रेशन आई नेम है, ये कहाँ से मिलेगा? तो आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है, instagram.com/niteshsinghhacker, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके नितेश सिंह हैकर सर्च कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। और जब आप इस पे आएंगे तो मेरा जो लेटेस्ट पोस्ट होगा, ये जो मेरी फोटो होगी यहाँ पे, ये देखो ये मेरा लेटेस्ट पोस्ट है। इसी के डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ लिखा हुआ है मेमोरीज दैट फ्लोरिस फॉरएवर फोटो फ्रॉम कॉलेज टाइम जयपुर, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन नेम मिल जाएगी, यानी सभी को मिल जाएगा जिसको भी चाहिए। अगर आप बाय चांस इंस्टाग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे आप नहीं है प्रोफाइल नहीं, या फिर इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, चलाते भी नहीं हो, या कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो जीमेल पे आप सीधा, मेरा मेल आईडी है nitesh.like123@gmail.com, मेल करना, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक की और जो उसका नेम है वो दे दूंगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे पहले तो सिस्टम एनालिसिस पे क्लिक करना है। सिस्टम एनालिसिस में थोड़ा समय लग जाएगा, तो हमें पहले इस सिस्टम एनालिसिस को कंप्लीट होने देना है। सो जैसे ही एनालाइज कर लेगा ये, उसके बाद आपके सिस्टम पे जितने भी यूज़र अकाउंट्स अवेलेबल है या फिर विक्टिम के सिस्टम पे, वो सब कुछ शो कर देगा। तो आपको उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट चूज़ करना है, और जितने भी ब्राउजर्स हैं तो बेसिकली सबको ये डिस्प्ले करेगा। इस टूल का बेसिकली काम गाइस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये टूल बेसिकली सिस्टम में जो ब्राउज़र, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा या जितने भी ब्राउज़र्स होंगे,
उसमें ये एनालिसिस करेगा, बहुत ही डीप एनालिसिस वो सारे ब्राउजर्स पे, और उन ब्राउजर्स के जितने डिलीटेड प्लस एग्जिस्टिंग जितने भी सिस्टम फाइल्स हैं उनको एनालाइज करके आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि ब्राउजर में विजिटेड हिस्ट्री जो होती है उसकी ब्राउजर की, वो टोटल कौन कौन से लिंक्स विजिट किए हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड्स, उसके बाद जो भी एक्टिव सेशंस हैं, जो भी मेल्स आते हैं, जो भी मेल्स आए हुए हैं, गए हुए हैं, जो भी गाइज इमेजेस विजिटेड वेबसाइट्स के इमेजेस और बहुत कुछ। तो मेरा यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद ये ब्राउज़र को एनालाइज करना शुरू करेगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको वेट करना है, और जैसे ही एनालाइज कर लेगा आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा, और वो रिजल्ट काफ़ी कमाल का होगा। गाइज इन रिजल्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी पेन ड्राइव में, यानी कि डायरेक्टली एक पेन ड्राइव लगाया, इस सॉफ्टवेयर को विक्टिम के सिस्टम पे तुरंत 1 से 2 मिनट में इंस्टॉल किया फटाफट, और सारे इन्फॉर्मेशन लिए, पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट किया और निकल गए, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास। सस्ता वाला USB रबर डकी टाइप आप बोल सकते हैं, आपके पास अगर रबर डकी टाइप नहीं है कुछ बजट, तो आप फ्री में ऐसा सस्ता वाला USB रबर डकी बना सकते हैं और अपने पेन ड्राइव को एक अटैकर मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। तो काफी कमाल की है गाइज। तो रुकिए ब्राउजर एनालिसिस कंप्लीट होने तक। सो ब्राउजर एनालिसिस के बाद गाइज आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा देखने को। सबसे पहले वाले टैब में आपको ये पूरी हिस्ट्री शो करेगा, जो विक्टिम या फिर जो भी आपके नोन उन्होंने विजिट किए वो सारी। बेसिकली एक स्पाई टूल की तरह भी काम करता है, एंड अगर किड्स वगैरह को स्पाई करने के लिए या फिर एम्प्लॉइज वगैरह को। उसके बाद गाइज यहाँ पे पासवर्ड का फील्ड है, पासवर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स विजिट हुए होंगे, जो भी उसके यूजर नेम पासवर्ड सेव्ड होंगे वहाँ पे ये आपको दिखा देगा। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, देख लीजिए ये सेव्ड यूजर नेम पासवर्ड जो होंगे उसको यहाँ पे ये शो करेगा। उसके बाद सेशंस, एक्टिव सेशंस जो भी जितने भी सेशंस होगी वेबसाइट्स के वो सारे सेशंस को यहाँ पे शो करेगा। बुकमार्क्स जो भी होंगे आप पूरे बुकमार्क्स को शो करेगा। इमेजेस जितने भी वेबसाइट्स विजिटेड हैं उसमें जो इमेजेस होंगे वो इमेजेस यहाँ पे शो करेंगी। सो बेसिकली ये सब कुछ एक तरह से मतलब कि ऑल इन वन पैकेज है, स्पाई टूल की तरह काम करेगा बिल्कुल भी, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सबको मैंने फ्री में दे ही दिया, तो मस्त यूज़ करो इस सॉफ्टवेयर को। एंड गाइज इसको अब रही बात कि हम इस डेटा को कैसे लेंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करना है, ऑल सेक्शंस को एक्सपोर्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना आपको। उसके बाद आपको पाथ देना है, तो यहाँ पे गाइज पाथ में आप अपनी पेन ड्राइव में वो पाथ दे सकते हो या फिर आप सिस्टम पे भी कर सकते हो। वैसे तुम पेन ड्राइव में ही आप पाथ दोगे, क्योंकि अगर आपका पेन ड्राइव है तो उसी में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके विक्टिम के मशीन पे डालोगे। तो मैंने एक पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक्सपोर्ट डेटा नाम का एक फोल्डर, और ये फाइल जो फॉर्मेट जो सेव करेगा वो आपसे यहाँ से पूछेगा कि एक्सेल फॉर्मेट आपको चाहिए कि आपको HTML चाहिए कि PDF चाहिए, ये सब कुछ आपसे पूछेगा। तो हम एक्सेल, PDF या HTML किसी में भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ PDF में। एंड यहाँ पे मैं इसका लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, ये मेरी पेन ड्राइव की लोकेशन है, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डेटा, एंड ये कर दिया, और यहाँ पे सेव। बस जैसे सेव करोगे आप नेक्स्ट करना है, और ये इन सारे डिटेल्स को एक्सपोर्ट कर देगा एज अ PDF फॉर्म में आपके लिए। और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, बस आपको इसको क्लोज करना है। अब चलते हैं मेरी पेन ड्राइव में, ये रही मेरी पेन ड्राइव, यहाँ पे है ये देखिए ये सारे एक्सपोर्टेड डेटा, ये देखिए ये सारे एक्सपोर्टेड डेटा हो गए, बुकमार्क्स के हो गए, मेल हो गए, पासवर्ड्स हो गए, ये सारे जो पासवर्ड का एक्सपोर्ट डेटा है आप इसको डायरेक्टली ओपन करके इसको देख सकते हैं, एज अ PDF फॉर्मेट होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है गाइज, आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूजफुल भी होगा। सो गाइज अगर टूल अच्छी लगी, टूल अगर यूजफुल लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे नितेश सिंह हैकर प्रोफाइल पे। एंड गाइज ऐसी वीडियोज़ मैं और भी लेके आऊँ, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।